एक बच्चे का पेट में सांप है सांप है सांप है बोल के पूरी तरह हल्ला मचा रहे हैं। आरएमपी डॉक्टर होता वो कहते हैं सांप है। भूख लगता है खाना बढ़िया देखे ना आप कौन है माँ है हाँ इधर आओ इधर कौन है इसको हमें बेटा है आपका बेटा है ना आपने बेटा है चलिए चलिए उठा रहो पेट में दर्द है नहीं दर्द नहीं होता है आरो उठा आरो उठा ना 6 साल से बताइए कुपोषण का शिकार शुरू से ही है नहीं कुपोषण है अलग बात ये अलग चीज कुपोषण होता ना तो पैर है टेढ़ा हो जाता है उंगली टेढ़ा हो जाता है वो अलग चीज लेकिन ये पैर का जो पेट का जो समस्या है मेरा पैर भी फूलता है पूरा पूरा पैर फूलता है यूरिया बढ़ जाता है यूरिया बढ़ेगा तो पैर फूलेंगे मेडल में जांच करवाया रांची रिम्स में तो नॉर्मल रिपोर्ट आरबीसी सीबीसी हो गया सीबीसी ये हो गया एसजीपीटी एसओटी यही सब है इंदिरा पॉइंट बढ़ावा ही एक है क्या क्या दवाई भी लिखी इसमें प्रिस्क्राइब किया महीने महीने जो थ्री कलर कर देख रहा 5 महीना 23 कलर 5 महीने थे लिवर भी बहुत ज़्यादा इसका डैमेज नहीं लिवर बहुत ज़्यादा ना हल्का इन्फेक्शन है एसजीपीटी सिर्फ 49 बढ़ा हुआ नॉर्मल चल अब ये हार्ट फेलियर को डॉक्टर का ये पीएमसी इसका है इधर बाबू 6 महीना 23 ये टेबलेट दिया था सब नहीं लिया खाया है सब सब खाया हूँ पैसा बहुत लग रहा है पैसा आप जो भी दवाई लेना है मेरा यहाँ 1 रुपये नहीं लगे तुमको खाली पहुँचाना है अभी दवाई दे देंगे ठीक है अब ब्लड रिपोर्ट भी पूरा हो जाएगा तुमको कहीं नहीं जाना दवाई ले के लिए लेके आ जाएगा इसमें बहुत महंगा महंगा दवाई एक लिप ये वो टेबलेट का 7-8 रुपये दाम टेबलेट तो कहाँ से खाएगा ये बेचारा नहीं जब बहुत ज़्यादा परेशानी था कुछ नहीं देते वो कल आ जाना कल दवाई टोटल दे देंगे और खाएगा 1 महीने का अंदर तुम्हारा देखो उसके बाद ऑपरेशन का जरूरत होगा ऑपरेशन भी हो जाएगा टेंशन नहीं ठीक है कल तुम सुबह आ जाओ तो कल ब्लड ले लेंगे टेस्ट में भेज देंगे ब्लड कुछ टेस्ट यहाँ होगा फिर मुंबई आएगा ठीक है मुंबई से टेस्ट होकर आ जाएगा उसके बाद तुम्हारा इलाज शुरू फिर दोनों हाथी का पैर जैसा लगता था उसके बाद जब ये रोता था तो कराहना इसका सुन करके कितना साल से ये लगभग 5 साल तो हम लोग जान रहे हैं 5 साल से नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है आज हम लोग आए हुए हैं एक बहुत ही गरीब परिवार से एक बच्चा है जिसका अपना जो घर का गार्जियन होता है वो है नहीं पिताजी है नहीं माँ है
ये बूढ़ी माँ है और घर में कोई है कमाने खाने वाला कोई नहीं है और ये बच्चे जो है लगभग 5 साल से कुपोषित के कारण कुछ बीमारी से जूझ रहा है। और यहाँ पर यहाँ मुखिया जी है और साथ में लोग समाज से भी है, ये लोग यहाँ पर ये लोग लगातार 5 साल से जो भी इतना भी हो सकता है ये लोग मदद कर रहे हैं। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा लेकिन इलाज में इनको बहुत ज़्यादा पैसा आवश्यकता कारण जो है ठीक से स्वस्थ नहीं हो पा रहा। आप जो इस बच्चा लगभग यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल भी गया है लेकिन यहाँ इसके बाद जैसे कि देख रहे हैं इसका पेट में पानी भरा हुआ जिसके कारण जो बहुत सारे बीमारी है PTSD बढ़ा हुआ, किटन बढ़ा हुआ, यूरिया बढ़ा हुआ है। हाँ, और इस बच्चे ज़्यादा उम्र नहीं है, अपना ज़िंदगी तो देखा नहीं है, इसको परिवार में कोई नहीं है, पिताजी नहीं है, भाई नहीं है, एक बूढ़ी माँ है, कमाने खाने वाला कोई नहीं है। तो आप सभी को अनुरोध करता हूँ जो भी मेरा फॉलोअर्स है, जो भी मुझे चाहने वाले हैं, जो भी मुझे प्यार करते हैं, हम लोग अक्सर ऐसे गरीब बच्चा को हम इलाज करते हैं, मुफ्त इलाज करते हैं, जिसको पैसा नहीं लेते हैं उसका स्वस्थ करके आज तक हजारों मरीज को भेजेगा। तो आप सभी को अनुरोध करता हूँ इस गरीब बच्चे के लिए जो आपसे बन पड़े हम तो करेंगे ही, आप सभी से जो भी बन पड़े मदद करें ताकि इस बच्चे अपना ज़िंदगी गुजारे अपने परिवार के साथ, ताकि एक बूढ़ी माँ इनका सहारा एकमात्र ही लड़का है। और इस बच्चे को हम लोग वादा किए हैं कि यहाँ से कल जाएगा और मेरा यहाँ इलाज चलेगा लगातार, और उसके बाद जो है जब तक ये ठीक नहीं हो रहा तब तक इसका साथ हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और साथ में हम लोग साथ देंगे मुखिया जी, आप लोग भी साथ दीजिए, कोई टेंशन नहीं, हम है आप लोग साथ दीजिए। और ये मेरा पुराना मित्र, इनको एक बार सांप सर्जन स्वादा करित काटा था, हमारा यहाँ इलाज होता ना, कई साल पहले लगभग 3 साल पहले 3 साल पहले अमीन जी को सांप काटा था और पूरी तरह ये कोमा में चले गए थे और स्वस्थ होकर आए थे। और ये हमें जानते हैं अच्छी तरह, ये हमें सूचना दिए थे कि ऐसा एक बच्चा है जिसका कोई नहीं है, भले ये मुस्लिम है और ये हिंदू है लेकिन यही हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खासियत है, हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, भले बड़े बड़े नेता हम लोग में लड़ाते हैं लेकिन हम लोग इसी तरह अक्सर समाज में जो हम लोग दिखाते हैं कि हम इंसान हैं, हमें इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत का खासियत यही है, इंसान का मतलब नहीं कि हम मुस्लिम कौन हिंदू कौन क्रिश्चन, ये इंसानियत दिखा रहे हैं, ये आज मुस्लिम है दूर से आए हुए और इस बच्चे को लिए अक्सर खड़ा रहता है। आप सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस बच्चे को बचाइए, थोड़ा सा जो भी हो सकते हैं आपकी मदद कीजिए ताकि हम लोग ये स्वस्थ करके फिर दोबारा आपके बीच में लेके आए। दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम गोपाल पांडे है और मैं इस बच्चे का पड़ोसी भी हूँ और जहाँ तक हम लोगों से होता था लेकिन आज वफीदा जब यहाँ पर आए हैं तो इनका आने के बाद एक आशा का किरण जगा है कि किसी गरीब को जो है स्वच्छा इलाज हो पाएगा। और ये लड़का के लिए जब कराहता है रोता है तो पूरे गांव के आदमी यहाँ पर हम लोग आते हैं, 108 के माध्यम से इनको हॉस्पिटल भेजा जाता है। परंतु आज झारखंड की जो स्थिति है हॉस्पिटल की कि लड़का में कुछ हम फेर बदल नहीं देख पा रहे हैं, परंतु आप लोग को आने के बाद ऐसा लगा कि लड़का पुनः फिर से दौड़ेगा ये हम समझ रहे हैं। शारदीय नवरात्रि भी चल रहा है, माँ की कृपा होगी इसके ऊपर। आपके साथ हम है, लीजिए अभी दुर्गा पूजा कपड़ा बन लीजिए और काल इसका सब हम करेंगे, टेंशन मत। अब रही मत रखिए, कभी घर का जरूरत होगा पैसा आप एक बार बेटा समझ के एक बार आ दीजिए, ठीक है? ठीक, टेंशन मत लीजिए, कभी भी कोई जरूरत होगा एक बार याद कीजिए, है ना? ठीक ठीक है बाबू, कपड़ा वपड़ा भी ले लो, ठीक है? और तुम्हारा ब्लड टेस्ट हो जाएगा, टोटल दवाई वाई सब हम करें, टेंशन मत लो।